इस वीडियो में हम क्लास थर्ड की जो आवर वंडरस वर्ल्ड बुक है उसका चैप्टर नंबर 6 पढ़ेंगे, जिसका नाम है लिविंग इन हारमोनी। हारमोनी मतलब सद्भाव, ठीक है, सद्भाव में रहना। सद्भाव का मतलब होता है शांति से रहना या प्रकृति के साथ तालमेल बना के रहना, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे पिक्चर में भी आपको दिखाया गया है, सभी जो है प्लांट्स भी हैं, एनिमल्स भी हैं, बर्ड्स भी हैं, और ये सब जो है वो एक दूसरे की क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो कैसे करते हैं हम आगे देखते हैं, ये एक्टिविटी आप कर लेना। तो ये वाली एक्टिविटी से शुरू करते हैं, डिस्कस से शुरू करते हैं, डिस्कस इन पेयर्स, ठीक है। पेयर्स में डिस्कस करने को कहा गया है, विच आर अनइनवाइटेड एनिमल्स बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स दैट विजिट योर होम। तो हमारे घर में बहुत सारे ऐसे एनिमल और बर्ड्स होते हैं, इंसेक्ट्स होती हैं, जो कि बिना बुलाए हमारे घर में आ जाती हैं। व्हाई डू यू थिंक, आप क्या सोचते हो, दे कम टू योर होम्स, कि वो आपके घर में मतलब क्यों आते हैं। हाउ डू यू फील अबाउट देयर प्रेजेंस इन योर होम, और आपको कैसा फील होता है उनकी घर में प्रेजेंस होने से, मतलब उनके घर में होने से आपको कैसा फील होता है। विच ऑफ देम डू यू लाइक, क्या उनमें से आप जो है किसी को पसंद करते हैं। व्हाट डू यू डू व्हेन यू डू नॉट लाइक देम, और जब आप उनमें से किसी को पसंद नहीं करते तो आप क्या करते हैं। वी टेक केयर ऑफ सम एनिमल्स एंड प्लांट्स इन आवर होम्स बाय गिविंग देम वाटर, फूड एंड शेल्टर। तो हम क्या करते हैं, एनिमल्स की और प्लांट्स की केयर करते हैं अपने घर में, कैसे, पानी देकर, खाना देकर और उन्हें घर देकर, ठीक है। जैसे यहाँ पिक्चर में भी दिखाया गया है कि ये जो गाय है और ये जो बॉय है, ये क्या कर रहा है, इस गाय को रोटी खिला रहा है, ठीक है। ये गर्ल इस डॉगी के साथ प्यार से उसको सहला रही है, बात कर रही है, ठीक है। यहाँ पे जो चिड़िया हैं, चिड़ियों के लिए क्या रखा गया है, पानी रखा गया है ताकि वो पानी पी सके, ठीक है। इस तरह से जो है हम एक दूसरे की क्या करते हैं, मदद करते हैं, हेल्प करते हैं, केयर करते हैं। फिर ये मैंगो ट्री है, ये मैंगो ट्री है। मैंगो ट्री से रिलेटेड यहाँ पर एक स्टोरी दी है। द मैंगो ट्री, वन डे शंभू अ लिटल बॉय वॉज गोइंग थ्रू द फॉरेस्ट विद हिज फादर। एक दिन जो शंभू है वो अपने छोटे नहीं एक दिन जो शंभू है जो छोटा लड़का है वो अपने फादर के साथ जंगल से जा रहा था। दे सेट अंडर द शेड ऑफ ह्यूज मैंगो ट्री, और वो एक बड़े से ट्री के नीचे बैठ जाते हैं, एक बड़े से मैंगो का जो पेड़ है उसकी छाया के नीचे बैठ जाते हैं। द मैंगो ट्री वॉज होम टू बर्ड्स, स्क्विरल, मंकीज एंड मैनी अदर एनिमल्स। और जो ये मैंगो ट्री था, ये बहुत सारे बर्ड्स, स्क्विरल, मंकीज एंड और भी एनिमल्स का क्या था, घर था। जैसे कि यहाँ पे भी दिखाया गया, ये वुडपैकर, गिलहरी है, ये वेब है, ठीक है। यहाँ पे मकड़ी दिखाई दे रही है, मकड़ी का जाला ना, और ये मंकी है, और यहाँ पर भी एक नेस्ट है, पैरेट भी है। तो इतने सारे बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स इस ट्री पर रहते हैं। शंभू सा अ मंकी ईटिंग अ मैंगो एंड थ्रोइंग आउट द सीड। तो शंभू देखता है कि एक मंकी जो है वो क्या कर रहा है, आम को खाता है और जो उसकी गुठली है उसको ज़मीन पर नीचे फेंक देता है। ही टोल्ड हिज फादर अबाउट इट, वे
इस बारे में अपने पापा को बताता है। His father said, Shambhu, do you know that a new plant would emerge from this seed? तो उसके पापा कहते हैं कि शंभु, क्या आप जानते हैं कि इस गुठली से नया प्लांट बन सकता है। This is how animals and plants help each other. इस तरह से जो एनिमल्स और प्लांट है वो एक दूसरे की क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। शंभु रेन टू पिक अप अ मैंगो दैट ड्रॉप्ड फ्रॉम द ट्री। तो शंभु क्या करता है, दौड़ता है और एक मैंगो जो है वो लेके आता है ट्री से। ठीक है, ही सैड लुक आई हैव गॉट अ मैंगो। और वह कहता है कि देखो, मेरे पास भी एक मैंगो है। नॉट ओनली फ्रूट्स, वी गेट वेजिटेबल्स एंड मैनी अदर थिंग्स फ्राम प्लांट्स, सैड शंभूज फादर। और जो शंभू के फादर हैं वो कहते हैं कि केवल फ्रूट ही नहीं हम लेते प्लांट से, बल्कि वेजिटेबल्स भी प्लांट्स हमें देते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो हमें प्लांट से मिलती हैं। ओ यस, आई नाउ रिमेंबर दैट यू हैड टोल्ड दिस टू मी अर्लियर। हाँ, ओ हाँ, ये आपने मुझे याद है, इस बारे में आपने मुझे पहले बताया था। वी गेट मेडिसन, हम प्लांट से क्या क्या प्राप्त होता है, मेडिसन भी मिलता है, फाइबर भी मिलता है कपड़ों के लिए, और वुड यानी लकड़ी भी मिलती है घर के लिए, घर की जो भी जैसे चेयर वगैरह, टेबल वगैरह हो गई। ठीक है, किससे मिलती है, ये प्लांट से। तो यहाँ पे दिखाया गया है कि प्लांट से हमें क्या क्या चीज़ें मिलती है। यूज़ ऑफ प्लांट्स, वुड मिलती है, ठीक है, यानी लकड़ी मिलती है, और फिर है शेड यानी छाया, छाया भी हमें प्लांट से मिलती है। इसके बाद शेल्टर फॉर एनिमल्स, एनिमल्स को घर भी मिल जाता है, जैसे ये गिलहरी है जो ट्री की खोखली जगह होती है वहाँ रहती है ना गिलहरी, अपने आप को क्या करती है, हाइड और रेस्ट के लिए जो ट्री की खोखली जगह है उसका यूज़ करती है। फिर मेडिसिन भी हमें प्लांट से ही मिलते हैं। इसके अलावा हमें फ्रूट्स मिलते हैं प्लांट से, फ्रेश एयर मिलती है, और फाइबर तो भी बताया ही था मैंने कि क्लॉथ्स के लिए फाइबर भी मिलता है। फिर ये आप खुद करना है, हम यहाँ से करते हैं। डू यू नो थाउजेंड्स ऑफ ट्रीज आर एक्सीडेंटली बाय प्लांटेड बाय स्क्विरल। तो क्या आप जानते हैं कि बहुत सारे ट्रीज ऐसे हैं जो गिलहरी के द्वारा लगाए गए हैं गलती से। तो कैसे लगे हैं, दे बुरी नट्स एंड देन फॉरगेट वेयर दे हिट देम। जो गिलहरी है वो क्या करती है, नट्स को कहीं पे दबाकर भूल जाती है। ठीक है, और लाइक दिस मैनी एनिमल्स एंड प्लांट्स मेंटेन हारमोनी एंड बैलेंस इन वेरियस वेज। तो इस तरह से जो एनिमल्स और प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं, प्रकृति के साथ तालमेल और संतुलन बनाए रखते हैं। वी नीड ईच अदर, हमें एक दूसरे की ज़रूरत है। तो क्यों है ज़रूरत, देखते हैं। जस्ट एज वी प्रोवाइड केयर, प्रोटेक्शन, फूड एंड शेल्टर टू एनिमल्स एंड प्लांट्स, वी गेट लॉट्स ऑफ थिंग्स फ्रॉम देम टू। जैसे कि हम उनको घर, प्रोटेक्शन, फूड और क्या कहते हैं, केयर करते हैं उनकी, उसी तरह से वो भी हमें बहुत सारी चीज़ें देते हैं, उनसे हमें बहुत सारी चीज़ें क्या होती है, मिलती है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल, किससे मिलती है और हमें, प्लांट्स और एनिमल से। अगर हम प्लांट्स और एनिमल की केयर करते हैं, उनका ध्यान रखते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं उनको,
खाना वाना देते हैं और घर देते हैं, तो वो भी हमें क्या देते हैं, बहुत सी चीज़ें देते हैं, जैसे कि फ्रॉम काउज बफेलोज एंड गोट्स। काउज बफेलो और गोट से हमें क्या मिलता है, वी गेट मिल्क एंड लविंग कंपनी, दूध मिलता है और एक अच्छी कंपनी। दैट इज़ वाई वी रिस्पेक्ट दीज एनिमल्स सो मच एंड वी ट्रीट दैम विद काइंडनेस केयर एंड कंपैशन। ठीक है, नहीं कंपैशन, ठीक है। तो दैट इज़ वाई वी रिस्पेक्ट दीज एनिमल्स, तो इसीलिए हमें इन एनिमल्स की क्या करनी चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए बहुत ज़्यादा, और इनको हमें ट्रीट करना चाहिए काइंडनेस यानी दयालु के साथ, ठीक है, और केयर ध्यान रखना चाहिए एंड कंपैशन मतलब करुणा प्रेम से। एनिमल्स एंड प्लांट्स ऑल्सो डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर फूड एंड शेल्टर, और एनिमल्स और जो प्लांट्स हैं वो एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं खाना और घर के लिए। एनिमल्स हेल्प प्लांट्स बाय डिस्पर्सिंग सीड्स एंड मेकिंग द सॉइल फर्टाइल थ्रू देयर वेस्ट, और एनिमल्स क्या करते हैं, प्लांट की हेल्प करते हैं, कैसे, डिस्पर्सिंग करके, यानी कि जैसे मंकी ने क्या किया, आम खाया और आम की गुठली फेंक दी कहीं पे भी, तो उससे क्या आ गया, प्लांट आ गया एक नया, ठीक है। और जो एनिमल्स हैं वो भी क्या करते हैं, सोइल को फर्टाइल करते हैं, कैसे, वेस्ट के थ्रू, ठीक है। दिस हेल्प्स प्लांट्स टू ग्रो एंड स्प्रेड नियर एंड फार, इस तरह से जो प्लांट्स हैं उनको मदद मिलती है दूर ग्रो करने में और पास ग्रो करने में। वी ऑल्सो डिपेंड ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर फूड शेल्टर क्लोथिंग एंड कंपेनियनशिप, हम जो है हम भी प्लांट्स और एनिमल्स पे डिपेंड होते हैं किस चीज़ के लिए, खाने के लिए, घर के लिए और कपड़ों के लिए और कंपेनियनशिप यानी एक साथी, ठीक है। फिर यहाँ पर ये एक्टिविटी जो है ये आप खुद कर सकते हो, ठीक है। इसमें इस वाली एक्टिविटी में जैसे कुछ मीठी चीज़ ज़मीन पे डाल दो और फिर देखो कि कैसे 2 मिनट के अंदर चींटियाँ आ जाती हैं, तो ये वाली भी आप दी कर लेना, ठीक है। हम यहाँ पढ़ते हैं, विजिटिंग योर प्लांट फ्रेंड, अपने प्लांट फ्रेंड के पास जाओ, ठीक है। When you are feeling sad, upset or angry, you can go to your plant friend and talk to it about how you are feeling. जब तुम sad होते हो, ठीक है, या गुस्सा आता है, तो आपका जो plant friend है, कोई एक पौधा जो आपका दोस्त है, उसके पास जाओ और अपनी जो feelings है उसको क्या करो, share करो, ठीक है। और फिर तुम्हें कैसा लगता है ये देखो, ठीक है। तो इसमें यही बोला है कि भाई आप अपने प्लांट फ्रेंड के पास जाओ और उसको जो अपनी फीलिंग है वो बताओ कि तुम्हें कैसा फील हो रहा है अभी, ठीक है, कि भाई दुखी क्यों हो, वो तुम उसको बताओ। फिर क्या होता है, जैसे ये बच्चे देखो अपने प्लांट फ्रेंड के साथ खेल रहे हैं। यू कैन ऑल्सो टॉक टू योर प्लांट व्हेन यू आर हैप्पी, और ज़रूरी नहीं है जब आप सैड ही हो तभी आप अपने प्लांट से बात करो, जब आप हैप्पी हो तब भी आप अपने प्लांट से अपनी फीलिंग जो है वो शेयर कर सकते हो। हाउ डिड यू फील आफ्टर शेयरिंग योर फीलिंग्स विद द प्लांट, और आपको कैसा फील होता है प्लांट्स के साथ अपनी फीलिंग को शेयर करने के बाद, ठीक है। प्लांट्स ऑल्सो नीड आवर केयर एंड सपोर्ट,
सो टू एनिमल्स वी कैन ऑल हेल्प ईच अदर। और जो प्लांट्स हैं उनको भी आवश्यकता होती है हमारी केयर और सपोर्ट की, जैसे एनिमल्स को होती है। तो वी कैन ऑल हेल्प ईच अदर, तो हमें एक दूसरे की हेल्प करते रहना चाहिए। तो ये एक्टिविटी, ये तो आप खुद ही कर लेना। जो 6th चैप्टर था वो अब आपका यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। थैंक यू।